हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और लर्निंग वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, मुझे ये वीडियो को फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन बनाना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आज ही बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहला साइन मिला है जहाँ से ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, राइट? चूँकि अगर आप देखें यहाँ से, तो कंटिन्यू एक मोमेंट मार्केट में मिल चुका है और कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया है। ओके, अगर आप देखें तो बॉटम से 32,500 का एक एग्जिट लेवल समझ लीजिए, और यहाँ से कंटिन्यू ऑलमोस्ट 39,600 700 का भाव टेस्ट कर लिया है। ओके, और 40,000 के आसपास है। तो लोअर लेवल से अगर देखें तो ऑलमोस्ट इस पे 7,500 पॉइंट का मूवमेंट कंटिन्यू निफ्टी में मिल चुका है। तो अभी हर किसी के मन में आ रहा है कि कहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, इधर तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेता भी था, अच्छा भी लगता था, क्योंकि जब कंटिन्यू मूवमेंट आता था तो हमें बाइंग का एक ट्रेड मिल जाता था। जैसे यहाँ मिला होगा, यहाँ मिला होगा, ये सब जगह भी मिला है, और आप लोग प्राइसेस एंड पैटर्न वीडियो भी देखा होगा, आप लोगों को उस लॉजिक में भी ट्रेड मिला होगा, और मैं भी इसके ऊपर लगातार आप लोगों को शेयर करता ही रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जो यहाँ से मूवमेंट आया है, ये कंटिन्यू मूवमेंट आ रहा है, और जब भी एक रेड कैंडल बनता है, अगले दिन ग्रीन कैंडल बन के हायर इन की तरफ चले जाता है। तो क्या मार्केट 40,000 के ऊपर चले जाएगा इसी वे में, या मार्केट इस रेंज में? देखिए, अगर आप देखें तो 40,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, राइट? इसी तरीके से अगर आप देखें निफ्टी में, तो ये भी 18,000 के बिल्कुल आसपास है। तो 18,000 भी इसके लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल दोनों करीब में आ गए निफ्टी बाई निफ्टी। तो लॉजिक भी बनता है कि यहां से रिट्रेसमेंट आना चाहिए, लेकिन कब? चलिए मैं कुछ पॉइंट आपको शेयर करता हूं, और कितना, तो अभी ये दो तीन पॉइंट हमारे दिमाग में रहेगा, इसे ही लेके हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छी चीजें आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। ओके, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लेके आता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, और आप लोगों को पता है कि ये मेरा नया अकाउंट है, और मैं इसे लगभग 20 जुलाई के आसपास ये पोजीशन मैंने बनाया हूँ, और लास्ट वीक मैंने शेयर किया था, तब 3% प्रॉफिट था। इस वीक में लगभग 3% से आसपास प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, और आप देखिए इसमें, देखिए मैं जो बताना चाह रहा हूँ क्या है, लगभग सभी स्टॉक प्रॉफिट में है। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप, चूंकि ये जब मैं पोजिशन बनाया था, ये जब मैं पोर्टफोलियो में ले रहा था, तो आपको ही पता है कि मैं कौन कौन से स्टॉक में और किस लॉजिक पे ले रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, जब मार्केट ये मूवमेंट आया है ना, अब जब ये रिट्रेसमेंट लेके वापस जाएगा, ठीक है, तो फिर से जो अच्छी स्टॉक है नया हाई बना लेंगे। अभी रिट्रेसमेंट में सभी में गिरावट आएगा, इसमें एग्जिट में नहीं करूंगा। ठीक है, एग्जिट में नहीं करूंगा, क्योंकि होल्डिंग पीरियड मेरा थोड़ा लंबा है। लेकिन जो कमजोर स्टॉक होंगे, ऑलरेडी वो अपने सपोर्ट, जो लोअर लेवल का हमारा सपोर्ट है, वो सपोर्ट ब्रेक कर जाएंगे, और जब मार्केट रिवर्स लेगा तो ऊपर जाएंगे नहीं। तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि जब मार्केट नया हाई बनेगा तो उन स्टॉक से एग्जिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस जो मूवमेंट आया, अभी के मूवमेंट में आया, सभी स्टॉक चले हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। ठीक है, तो जब फिर से रिट्रेसमेंट आएगा तो जो कमजोर स्टॉक हैं वो बॉटम में ही रह जाएंगे, और अच्छे स्टॉक कंटिन्यू हायर हाई बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इन जो पोर्टफोलियो मैंने बनाए हैं, आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। ठीक है, इन जो पोर्टफोलियो हैं, इनमें अगर जो स्टॉक नहीं चलेंगे उसको हम एग्जिट कर लेंगे, राइट? क्योंकि कमजोर स्टॉक हो सकता है कि हमने जो सेलेक्ट किए हैं, हमने तो केवल पी रेशियो, कैश फ्लो, ये सब देख के हमने ट्रेड लिया है। ठीक है, इनसाइट देख के हमने ट्रेड लिया है, और अभी सभी में प्रॉफिट है, तो अभी तक हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट में हैं। तो ध्यान दे रखना है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, जिसे खराब होना है वो नीचे ही रह जाएगा, मतलब जो कमजोर है ना वो छट के नीचे रह जाएंगे, जो स्ट्रांग है वो निकल जाएंगे, और इसी से मार्केट चलता है। ओके, ये लॉजिक आप समझ गए हैं। तो अभी इसमें जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए, जो मेरा पोर्टफोलियो 6% बढ़ा है, मैं देख रहा हूं जहां तक अभी मैंने एनालिसिस ऑलरेडी किया है, तो इसमें 3% का गिरावट आना चाहिए मैक्सिमम, या मिनिमम कह सकते हैं आप कि 3% का गिरावट इसमें आना चाहिए, इससे ज्यादा गिरावट नहीं आना चाहिए अगर मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है तब। ठीक है, चलिए ये लॉजिक आप समझ गए होंगे, तो ये पॉइंट हो गया। अगर हम यहां से समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो अभी तक फ्रेंड्स जैसे ये मूवमेंट आया, एक मूवमेंट आया यहां से, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, कितना परसेंट नीचे गिरा, बैंक निफ्टी को समझिए। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करूं तो ऐसे लगभग निफ्टी में भी होगा, 3% गिरावट आया फर्स्ट टाइम, राइट? फिर उछाल के बाद कितना गिरा यहां पर, ऑलमोस्ट 3% गिरा, फिर उछाल के बाद कितना गिरा यहां से, लगभग 2% गिरा,
फिर एक मोमेंट आया और यहां से कितना गिरावट आया, लगभग 2.5% गिरावट आया। तो मिनिमम यहां से इसमें मैं 2.5 से 3% का गिरावट एज्यूम कर रहा हूं, और ये गिरावट मेरे लिए 38,500 होना चाहिए। सिर्फ इस लॉजिक से ना, मैं अभी इसमें कोई चार्ट पैटर्न प्राइस पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा हूं, मैं सिर्फ जो अभी तक इसका ट्रेंड चल रहा है इस ट्रेंड वाइज मैं बात कर रहा हूं, केवल ट्रेंड वाइज। हो सकता है मार्केट और नीचे चले जाए, ठीक है, बट ट्रेंड वाइज 38,500 तक का रिट्रेसमेंट मार्केट में आना चाहिए। इसके लिए आप तैयारी कर, मतलब अगर एक कल से ही रिट्रेसमेंट देता है तो, या 40,000 से रिट्रेसमेंट देता है तो कम से कम 1500 पॉइंट का लोअर साइड में गिरावट आना चाहिए, फिर यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाएगा, आपको इसी लेवल में समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा है। बट ये रिट्रेसमेंट कब से शुरू होगा, कब से आएगा भाई साहब, ये कौन बताएगा? तो पहला साइन मुझे मिल चुका है, सो इसलिए मैं रात को वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, पहला साइन मिल चुका है। चलिए, असल में पूरा वीडियो ना समराइज है, ठीक है, सब तरफ का मैं इसे लेके आया हूं। अब आप देखिए, यहां पर अगर आप देखें दोस्तों, तो 28 जुलाई के बाद FIIs का नेट सेल है आज फर्स्ट टाइम 1700 करोड़ का, ठीक है, 1700 करोड़ का नेट सेल है फर्स्ट टाइम आज, ठीक है। आप सोचिए, मैं थोड़ा सा इसे डेली चार्ट में दिखा देता हूँ, और डेली चार्ट में मैं ये रो को 25 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए, यहां से इनकी बाइंग शुरू हुई है 28 जुलाई के बाद, ठीक है, लगातार इनकी बाइंग है, कभी सेल नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद शायद मैं बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट इंडिकेशन है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का। ओके, तो यहीं से पता चल जा रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा हमें डाउन साइड ट्रेड दिखा सकता है, तो पहला साइन यहां से मिला। ओके, लॉजिक समझ गए होंगे। अब आइए फिर से अगेन चार्ट पे, अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन में। अब आइए आप निफ्टी में, निफ्टी एकदम एग्जेक्ट किस भाव पे है, तो निफ्टी में भी थोड़ा सा हम लोग परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कितना कितना गिरा निफ्टी। निफ्टी यहां से कितना गिरा, ऑलमोस्ट 2.5%, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको पता रहेगा कि कितना गिरावट आएगा, 2.5%, मैं फटाफट कर रहा हूं, लगभग 2%, बैंक निफ्टी से थोड़ा कम आ रहा है, लगभग 2%, तो यहां से भी मान लीजिए 2-2.5%, मैं 2.5% लेके चलता हूँ मैक्सिमम, ठीक है, ये लेवल। तो 17,500 मिनिमम, 17,500 तक का रिट्रेसमेंट तो आना ही चाहिए, और अभी कहाँ चल रहा है मार्केट, 18,000 के अराउंड, ठीक है। तो 17,500 तक अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आप तैयार रहो कि यहां से मार्केट फिर से वापस जाने वाला है। मार्केट नो डाउट बहुत अच्छा बुलिश हो गया है, और जिस तरीके से विदेशी निवेशकों का FIIs का बाइंग आ रहा है हमारे इंडियन मार्केट में, ठीक है, देर सवेर उनको आना ही था, सो उन लोग अभी आ गए, ठीक है। एक लॉजिक और शेयर करता हूँ, पिछले बार विदेशी निवेशक हमारे इंडियन मार्केट में आए थे नवंबर 2020 में, ठीक है, तब मार्केट लगभग 12,600 के आसपास था। ओके, इन लोग डायरेक्टली लेके गए कहाँ तक, 18,600 तक। अभी FIIs कहाँ पर आ रहे हैं, 17,500 से लेके 18,000 के बीच में आ रहे हैं इन लोग बाइंग करने के लिए, ठीक है। अब अगर इन लोग इस लेवल में बाइंग करने के लिए आ रहे हैं तो मार्केट को कहां तक लेके जाएंगे, यहां से 50% ऊपर लेके गए, तो क्या यहां से 50% ऊपर जाने वाले हैं हम लोग, कैलकुलेट करिए, ठीक है, मतलब 25,000 की तरफ मार्केट का मूवमेंट दिख रहा है भाई, सिंपल सी बात का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये केवल ट्रेंड वाइज मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, हाँ प्राइस वाइज थोड़ा रिट्रेसमेंट और भी आ सकता है, ठीक है, वो फिबोनाची लेवल में जब आएगा फिर हम लोग बात करेंगे, अभी ज्यादा नहीं बात कर रहे, ठीक है। स्टार्टिंग कब से होना चाहिए, ये रिट्रेसमेंट की स्टार्टिंग कब से होना चाहिए, चलिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट देखा आज, 18,000 का कॉल, 18,000 का कॉल, इसका लास्ट हाई था जब ये ऑप्शन ओपन हुआ था 140, और आज 140 के आसपास पहुंचा है। मैंने आप लोगों को कई दिन इसके ऊपर बता रहा था कि मेरे पास 18,000 का कॉल सेल है, 17,000 का पुट सेल है, जिसे मैं परसों क्लोज किया, ठीक है, कल से मैं बैंक निफ्टी में आ गया हूँ। ओके, मतलब स्ट्रेंगल, तो इसमें मैं लगभग 2,80,000 प्रॉफिट बुकिंग किया। ओके, 18,000 का कॉल लगभग मैं यहाँ सेल किया था यहाँ, ठीक है, 55 रुपये के भाव में, और 17,000 का पुट मैं सेल किया था 166 या 67 रुपये के भाव में, इसे क्लोज किया हूं मैं 13 रुपया में या 16 रुपया में, ठीक है, और इसे क्लोज किया हूं लगभग मैं 98 या 100 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो इसमें मुझे थोड़ा लॉस हो गया, लेकिन इसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया, लॉट साइज अच्छा था तो प्रॉफिट का साइज भी अच्छा है। अब देखिए, इस रेंज के आसपास पहुंच गया है, तो जो भी
जिन लोग बड़े खिलाड़ी यहाँ पर सेल किए थे फिर से इस प्रीमियम को यहाँ पर सेल करना चाहेंगे क्योंकि अच्छा भाव उनका फिर आ गया है। नो डाउट इन लोग इधर या कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लिए रहे होंगे, अब फिर से भाव यहाँ पर आ गया है। तो अब मैं आपको एक लॉजिक शेयर कर रहा हूँ, कल आपको लगा के रखना है 18,000 का कॉल, ठीक है, और लगा लेना है मार्केट डेप्थ। यहाँ ध्यान दीजिए मेरी बात को, मार्केट में लगा लेना है मतलब ऑप्शन चे सॉरी मतलब वॉच लिस्ट में लगा लेना है आपको 18,000 का कॉल, और इसका भाव देखना है आपको 140 के आसपास। अगर 140 के आसपास ये भाव मार्केट डेप्थ में, ये डेप्थ में अगर हैवी क्वांटिटी दिख रहा है 40,000 50,000 क्वांटिटी, ठीक है, ये 50,000 क्वांटिटी अगर यहाँ पर सेलिंग दिख रहा है, सेलिंग ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेलिंग, तो आप समझिए कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, और इसके ऊपर 4-5 पॉइंट का लोगों का एसएल होगा, 10 पॉइंट का एसएल होगा। ध्यान रखिए अगर ये सेल हो जाता है मतलब यहां से बाइंग हो जाएगा, तो पहला साइन मिलेगा कि लोग इस पोजीशन को फिर से शॉर्ट कर रहे हैं, राइट, फिर से शॉर्ट कर रहे हैं। अब मार्केट अगर सेम कैंडल लो आ जाता है, मान लो ऊपर गया और पहले ही कैंडल लो मार देता है, सेम कैंडल अगर रेड में क्लोज करता है, सेम कैंडल का हाई का एसएल डाल के 5 मिनट के चार्ट में सेम कैंडल का हाई का एसएल डाल के इसमें आप शॉर्ट का पोजीशन बना के खड़े हो जाओ, चाहे आप 18,000 का कॉल सेल करो या 18,100 का सेल करो या 18,200 का सेल करो, और पूरा दिन जो भी 10-12 पॉइंट का एसएल रहेगा 10-12 पॉइंट का एसएल रख के पूरा दिन होल्ड करिए। अगर वो नीचे की तरफ क्लोज करता है, बॉटम में ही क्लोज करता है, पोजीशन को कहीं फॉरवर्ड कर लीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है, ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, ये भी बताऊं ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है, मे भी यहाँ ना जाए, मे भी यहाँ ना जाए तो क्या करेंगे आप? ध्यान रखिए हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, हो सकता है ओपन इधर ही 75 के आसपास हो, ऊपर जाए ही नहीं, तो लॉजिक क्या होगा? आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए मैं अब आपको ऑप्शन चेन में लेके आता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, सर क्या क्या बता रहे हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। देखिए आज मैं शायद ही कभी इस तरीके का मतलब एक्सपायरी के दिन अगले एक्सपायरी का क्वांटिटी इतना बड़ा शॉर्ट मैं रेयर ही देखता हूं ऐसा, ठीक है, वो भी कॉल सेल कहां का 18,000 का कॉल सेल हुआ है, 18,000 का कॉल सेल हुआ है लगभग 100, देखो इसका भाव क्या था आज, मतलब 6 रुपए गिरावट आया है स्ट्राइक में कल के स्ट्राइक से, ठीक है, तो लगभग है 140, 129, 129 से 140, 140 हाई है तो 140 से 129 के बीच में इसमें शॉर्ट पोजीशन बना है। अगर मुझे लगता है एक ट्रेड इसमें भी आजमाया जा सकता है, मतलब एक ट्रेड लिया जा सकता है, अगर आप 18,000 का कॉल सेल करो, अगर आपको ये 130 के आसपास मिलता है तो 150 के स्टॉप लॉस लगा के इसमें शॉर्ट का पोजीशन लिया जा सकता है, कोई नेगेटिव कैंडल देख के। ध्यान रखिएगा अगर 130, 129, 135 ये सब रेंज में, ठीक है, तो यहां से भी आप लॉजिक लगा लीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मुझे नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर मान लीजिए 150 के ऊपर रह जाता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले जाएगा, जितने लोग ये कॉल सेल किए हैं, जितने लोग कॉल सेल किए हैं सारे लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे और मार्केट हायर इनके ऊपर 18,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिए कल के लिए, राइट। तो पहला साइन मिला है और मुझे दिख रहा है कि कल ही हो सकता है गिरावट या रिट्रेसमेंट का स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट नीचे आता है तो ये 17,900 का पुट भी हैवी शॉर्ट हुआ, या 17,900 का पुट हैवी शॉर्ट हुआ है, और ये भाव कहां पर हुआ है लगभग 83 और 31, 114 हुआ ना, 114 115, तो 114 115 के अगर ऊपर हाई बनता है ये, ठीक है, अगर ये हाई बनता है 114 115 के ऊपर, तो आपको यहां से भी साइन मिल जाएगा कि मार्केट नीचे जा रहा है। अगर 114 115 के हायर प्राइस मेंटेन करता है और नीचे ही जा रहा है और हाई ये पुट बना रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा आईटीएम में क्लोज हो सकता है एक्सपायरी में, तो इस एक्सपायरी तक मुझे लगता है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो मैंने बहुत सारा लॉजिक के साथ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसे एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इस टाइप का पोजिशन मतलब मार्केट में एक सेलिंग का पोजिशन बन रहा है एफआईआई के द्वारा, ऐसा सिनेरियो आज नजर आ रहा है। कंफर्म कल होगा कि ये डेटा कटता है नहीं कटता है, ये ऑप्शन कटता है कि नहीं, यहाँ पर अनवाइंडिंग होता है कि नहीं होता है, अगर अनवाइंडिंग हो गया
तो भैया 18,000 के ऊपर ही मार्केट को क्लोजिंग देखिए इस एक्सपायरी में भी। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। कैंडल स्टिक वाइज मैंने आप लोगों को बताया है, डेली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, हो सकता है मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हो जाए। एक लॉजिक आप समझिए कल कि हो सकता है मार्केट ऑलरेडी ये गैप डाउन ओपन हो जाए। कहाँ पर? इधर इधर गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मान लो इसकी गैप डाउन ओपन होता है 17,850 या 860 के आसपास, ठीक है, अगर इधर ऑलरेडी गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट शायद ऊपर ना जाए, इसी वे में नीचे की तरफ भाव दिखा सकता है। तो फिर आप तैयार रहिए 17,500 तक के लिए, मिनिमम 17,500। इसके बाद देखेंगे कंटिन्यू कितना जाता है। और बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास तक का, ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रह सकते हैं। कल प्राइस एक्शन पैटर्न वाइज हमें समझ में आ ही जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, अच्छा पैटर्न रहेगा तो आपको टेलीग्राम चैनल में भी सुबह सुबह अपडेट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन बटन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।